गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स वर्चुअल क्लास। बेटा आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच। यहाँ पे देखिए, आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/5, आपको इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 2/5, इसका हमें फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है पहले। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 5 2 10, 4/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/5 का। ओके, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/5 का। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है आपको। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, 5 3 15। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 5 4 20। यहाँ पर आप देखिए, आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने थे ना, तो यहाँ पर हमारे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। 4/10, 6/15, 8/20, ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 2/5 के। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 6/15 इज इक्वल टू 8/20। क्लियर। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको गिवन फ्रैक्शन है 5/6। इसमें आपको फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। 5 2 10, 6 2 12। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, 6 3 18। और थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की। 5 4 20, 6 4 24। तो 10/12, 15/18 और 20/24 आर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/12 इज इक्वल टू 15/18 इज इक्वल टू 20/24। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर टू मेक द स्टेटमेंट 2। आप ये देखिए, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दे रखा है, आपको डिनोमिनेटर की हेल्प से न्यूमरेटर फिल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 3/4 और इसका हमें डिनोमिनेटर दे रहा है 20। अब आप ये देखिए, हमने यहाँ पे 4 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करी कि 20 हो गया। वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 में कि हमारा डिनोमिनेटर 20 आ जाए। हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की। जब हम 5 की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो 3 5 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। सो 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/20। क्लियर। सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 2/5। यहाँ पर आप ये देखिए, हमें डिनोमिनेटर दे रहा है 20। अब आप ये देखिए, हम यहाँ पे 5 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाए, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ना। जब हम 4 की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की ही हमें न्यूमरेटर में भी करनी होगी। ओके, तो 2 4 8। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। सो 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/20। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द मिसिंग डिनोमिनेटर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जिस तरीके से हमने न्यूमरेटर फिल किए थे उसी तरीके से हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर फिल करने हैं। हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 8/11। यहाँ पर आप देखिए, आपको न्यूमरेटर दे रखा है 16 और डिनोमिनेटर आपको बदल करना है। अब आप ये देखिए, 8 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 हो जाए, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना। जब हम न्यूमरेटर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2 की ही मल्टीप्लाई करनी है। ओके, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 16, 11 2 22। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22।
सो 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 22। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है आपका 2 अपॉन 3। 2 अपॉन 3 में यहां पर आपका न्यूमरेटर दे रहा है 14। यहां पे 14 कैसे आया? हमने न्यूमरेटर में किस नंबर की मल्टीप्लाई करी कि न्यूमरेटर हमारा 14 आ गया? किसकी करी? 7 की, है ना। जब हमने 7 की न्यूमरेटर में करी तो 7 की ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे। 2 7 14, 3 7 21। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 21। सो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 21। क्लियर बेटा?